हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली 2024 के बाद अब खिलाड़ी मार 2025 की भी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस गाइस, आप सभी को पता है कि खिलाड़ी मार 2024 में जितनी भी मूवीज लेकर आने वाले भाई साहब, उन सभी की रिलीज डेट कंफर्म है। और वहीं अब 2025 में भी जो उनकी मूवीज आने वाली है भाई साहब, उनकी भी हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। यस गाइस, यानी कि यहां पर जोली LLB 3, जो कि आप सभी को पता है कि कोर ड्रामा मूवी होने वाली है, उसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। यस गाइस, यानी कि अब इस मूवी की शूटिंग कब स्टार्ट होने वाली है, इस मूवी का ऑफिशियल टाइटल क्या होने वाला है और इस मूवी के डायरेक्टर को लेकर क्या अपडेट्स आ रही है, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोली एलएलबी पार्ट 1 और जोली एलएलबी पार्ट 2 दोनों ही मूवीज को पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। और वहीं अब मेकर थर्ड पार्ट लेकर आने वाले हैं, जिसका टाइटल बताया जा रहा है कि जोली एलएलबी 3 भी हो सकता है और जोली वर्सेस जोली भी हो सकता है। यस गाइस, यानी कि अक्षय कुमार वर्सेस अर्चित वारसी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और भाई साहब, ये जो मूवी है कोर ड्रामा मूवी होने वाली है और भाई साहब ज्यादातर हमें इस मूवी के अंदर कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं और इमोशनल टच भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी ने पहले दो पार्ट में देखा होगा। और वहीं इस मूवी के अंदर जो जज होने वाले हैं यस गाइस, यानी कि वो भाई साहब और कोई नहीं बल्कि सौरभ शुक्ला होने वाले हैं। यस गाइस, यानी कि आप सभी को पता है कि जोली एलएलबी 2 के अंदर उनका जो करेक्टर था उसे पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और वहीं अब वो हमें जोली एलएलबी 3 मूवी के अंदर भी देखने को मिलने वाले। और वहीं इस मूवी की जो शूटिंग है वो समर 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। यस गाइस, यानी कि इसी साल इस मूवी की जो शूटिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस मूवी की जो शूटिंग है वो 2024 के लास्ट तक कंप्लीट कर ली जाएगी। और ये जो मूवी है हमें 2025 में देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं सुभाष कपूर, जो कि आप सभी को पता है कि पहले दो मूवीज के डायरेक्टर थे और वहीं अब वो इस मूवी को भी डायरेक्ट करने वाले। तो दोस्तों, यहां पर जोली एलएलबी 3 मूवी की जो शूटिंग है वो भी भाई साहब स्टार्ट होने वाली है और उसके साथ साथ ये जो मूवी हमें 2025 में देखने को मिलने वाली। तो दोस्तों, आप सभी कह सकते हैं कि अक्षय कुमार सर, जो कि अपनी 2025 में बैक टू बैक दो कॉमेडी मूवीज का अनाउंसमेंट कर चुकी है, यानी कि हाउसफुल 5 जो कि एक बिगेस्ट कॉमेडी मूवी होने वाली है और वहीं जोली एलएलबी 3 ये भी एक बिगेस्ट कॉमेडी मूवी होने वाली। तो दोस्तों, यहां पर खिलाड़ी कुमार ने अब 2025 में आने वाली दो मूवीज का अनाउंसमेंट कर दिया है और आने वाले समय में हमें और भी मूवीज की रिलीज डेट के बारे में पता चलने वाली। तो दोस्तों, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं जोली एलएलबी 3 मूवी के लिए, हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।